हम आ गए हैं बल्ली महारान में। बल्ली महारान जो है ये बहुत बड़ी मार्केट है चूड़ियों की और चश्मे जितने भी होलसेल में यहाँ पे जितने भी स्टोर होते हैं, ये देखो चूड़ियों की होलसेल दुकानें हैं यहाँ पे। दोस्तों आज हम दिल्ली के बल्ली महारान इलाके में आए हैं मिर्ज़ा गालिब के घर में। मिर्ज़ा गालिब जो है वो बहुत बड़े शायर थे, मैं आपको बता ही चुका हूँ, लेकिन आ रही है मैं आपको दिखाता हूँ कि सोच के देखो आप, ये जो ऊपर आप पत्थर आप देख रहे हो ना, ये पत्थर, ये पानी की बौछार से बचने के लिए ये आपको अब नज़र आएगा। देखो ये कितना पुराना है, ये जब बरसात होती होगी तो पानी इससे कैसे टपकता होगा यहाँ पे इस सहन में। ये जो जगह देख रहे हो ना आप, ये इसका सहन है। ये बिल्डिंग तो बहुत बड़ी है, देखो इन्होंने इसका पार्टीशन कर दिया है, ये आप देख रहे हैं ना, यहाँ से इससे पता लग रहा है कि उधर का हिस्सा बंद कर दिया गया है और ये हिस्से को बंद करके फिर इन्होंने ये छोटे से हिस्से में इसका म्यूजियम बना दिया है। और ये बिल्डिंग कितनी पुरानी है ये तो मैं आपको दिखाई चुका हूँ, देखिए ये इसका पिलर और ये देखिए ये कैसी ईंटें हैं, छोटी ईंटें लगी हुई है और सब चूना लगा हुआ है। ये जो है पूरी की पूरी बिल्डिंग पुरानी है। तो ये इनका सहन या अहाता इसको कह लीजिए, और फिर ये आगे का हिस्सा और इधर ये एक रूम है। तो ये एक हिस्सा है इस पूरी बिल्डिंग का, इनके पूरे मकान का। और ये जो है इंदिरा गांधी अप्रिसिएशन लेटर फॉर गालिब, तो ये इंदिरा गांधी ने जो है इनको अप्रिसिएशन लेटर दिया था और ये इसके नीचे शेर भी लिखा है। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा लेकिन फिर भी कम निकले। उर्दू में लिखा हुआ ये किताब है। ये न थी हमारी किस्मत की विशाल यार होता, मुझे उर्दू आती है तो इसलिए मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, ऐसे मत सोचना कि मैं जो ऐसे ही बोल रहा हूँ। इसमें लिखा है ये यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, ये नंबर पड़ा है सफ़ा नंबर, और ये उर्दू में जो लिखा है वो मैं पढ़ रहा हूँ। ये न थी हमारी किस्मत की विशाल यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतज़ार होता, तेरे वादे पर जिए हम तो ये जान झूठ जाना, कि खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता, तेरी नाजुकी से जाना कि बंधा था अहद बोदा, कभी तू न तोड़ सकता अगर उस तवार होता, कोई मेरे दिल से पूछे तेरे नेमकश को ये खलिश कहाँ से होती जो जिगर के पार होता। तो भाई ये शायरी है इनकी, ये देखो कितनी मोटी किताब है ये और कितने साल पुरानी है, इस पे लिखा नहीं है, टाइम नहीं लिखा है कितनी पुरानी है। और ये इनका इन्होंने जो है स्टैचू भी लगाया है और इसमें जो है ये सारी चीज़ें जो हैं पुराने टाइम की हैं। और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का अंदाज़ है बयां। और ये इनका बर्तन है, ये सब यहाँ पे रखा हुआ है। ये एक और इनका शायरी का ये किताब है जिसमें इनकी सारी शायरी लिखी हुई है और ये इसके अंदर रखी हुई है, बहुत पुरानी है भाई, इतनी संभाल के रखी गई है तो ये भी बहुत बड़ी बात है। और ये चेस उस टाइम की होगी, वैसे इसको देख के लग नहीं रहा ये इतनी पुरानी है, हो सकता है हो भी। और बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मयस्सर नहीं इंसान होना। तो भाई जिन लोगों को शायरी का शौक है ना उनके लिए तो ये बहुत अच्छी जगह है। हुए मर के हम जो रसुआ हुए क्यों ना घर के दरिया, न कभी जनाजा उठता न कहीं मजार होता, ये इनका ये है पुराना, ये कुछ गेम है जो खेला जाता होगा उस वक्त में। तो भाई ये था गालिब का म्यूजियम, तो दिल्ली के जो है रानी दिल्ली के अंदर ये मौजूद है, हमने जितनी कोशिश हुई आपको सब दिखाने की कोशिश करी है। ये भाई इनके घर का बाहर का नज़ारा, ये देखिए गेट पुराने, और ये इसमें छोटा सा नीचे घुस के जो है इसमें कैसे झुक के जाना पड़ता होगा, ये देखिए कितने हैवी गेट और ये पुराने टाइम के जो है इसमें लटके हुए हैं। और ये जो आप छत देख रहे हो ये सब चूने की बनी हुई है पुराने टाइम की, ये देखिए आर्च में है और कितनी पुरानी है, इसमें कोई सरिया नहीं है, इसको डार्ट बोलते थे पुराने टाइम में। तो ये सारा जो है ये इनका एक हिस्सा जो मैंने आपको दिखाया है, ये दूसरा हिस्सा है बिल्डिंग का। और इनका पूरा नाम था मिर्ज़ा असदुल्ला गालिब खान, ये इनकी फ़ोटो लगी है भाई, ये यहाँ पे लगा है बाज़ार और ये ज्वेलरी बिक रही है मिर्ज़ा गालिब के घर के बाहर। भाई मिर्ज़ा गालिब के घर के पास ना पुरानी हवेली है, देखो ये बंद पड़ी है, अंदर से आपको नज़र आ रही होगी, देखो कितनी पुरानी है। इसमें भी यही पत्थर डाल करके ना इसका वो जो ये आगे का हिस्सा है रोका गया है। और ये देखो आप कितने पुराने पुराने, पहले लॉक ऐसे किए जाते थे गेट, ये देखो आप ये ऐसे लॉक किए जाते थे, अब ये टेढ़े ये जो लोहे की रॉड लगी है और वो देखो वहाँ कॉर्नर पे लॉक पड़ा हुआ है। और ये देखो आप लकड़ी के मकान भी होते थे यहाँ पे और ये इसमें लकड़ी का काम भी हुआ था, ये सब गल गया है। हम आ गए हैं जी गली कासिम जान में और यहाँ पे हम लोग खाने के लिए आए हैं नहारी। बल्ली महारान की नहारी बहुत मशहूर है, लेकिन ये जो गली कासिम जान की दुकान है
इसकी नारी खाने के बाद हमें किसी की नारी आज तक पसंद ही नहीं आई। भाई भाई की दुकान आपको दिखाते हैं। भाई ये है मंजूर नारी, जिस पर हम नारी खाने आए हैं। तो इनकी नारी जो है इतनी फेमस है, जो हमारे कज़िन ब्रदर हैं वो बाहर गल्फ में लेके जाते थे यहाँ से नारी। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि इनकी नारी जो है वो कितनी मशहूर है। तो अभी आपको जो है नारी का टेस्ट, नारी का जो है मज़ा लेना है, उसकी वीडियो बनाते हैं, दिखाते हैं। भाई यहाँ पे जो है 5 स्टार जो है वो तो माहौल नहीं है, मगर ये माहौल जो भी है ये बहुत शानदार है। छोटी सी जगह में साथ साथ बैठ करके खाने का मज़ा ही कुछ अलग है। भाई ये फैन लग गया, पहले नहीं था, अभी हाल फिलहाल ही लगा है। भाई दो लोगों की जगह तो हुई थी, अब दो आपने बैठो जी। भाई नारी का ऑर्डर कर दिया, जगह है छोटी, हम लोग देखो साइड में खड़े हैं भाई इंतज़ार में, जगह खाली होगी तो नारी खाएंगे। भाई हमारी नारी आ गई है पूरी बटर के साथ, और ये है हमारी रोटी। तो अब जो है पहले नारी का मज़ा ले लें, क्योंकि यहाँ पे जगह है कम, तो कम जगह होने की वजह से जो है वीडियो बनाने में आ रही है दिक्कत। तो भाई ने तो खानी शुरू कर दी है, अब हम भी खा लेते हैं। क्या हो गया यार? भाई ये नारी जो है के नज़ारे जो है आप यहाँ से ऐसे ले लो, ये देखो ये पूरी पैक हो रही है। और भाई बैठे हैं हमारे, ये बहुत खास ख्याल रखता है हमारा। और भाई यहाँ पे आना जो, ये जो गली देख रहे हो सामने, ये चावड़ी बाजार से सीधी आ रही है, किसी से भी पूछ लो आप। ये गली कासिम जान जो है ये इधर चावड़ी बाजार है पीछे, तो यहाँ पे किसी से भी पूछ लो आप गली कासिम जान कौन से है। और इसमें एंटर होते ही राइट हैंड पे छोटी सी दुकान है, लेकिन मेरा जो वीडियो बनाने का मकसद है ना, वो ये है कि मैं वो आपको वो चीज़ बता पाऊँ जहाँ पे आसानी से आदमी नहीं पहुँच पाता। तो भाई ये जो नारी की दुकान है यहाँ पे हर आदमी नहीं पहुँच पाता, लोकल के लोगों के अलावा। और ये हमारे दोस्त हैं अकमल, ये तो दरियागंज में रहते हैं, इनको भी मालूम नहीं था यहाँ के बारे में। तो भाई जब से इनको यहाँ की नारी खिलाई है, तो हमारा कभी भी नारी का प्रोग्राम होता है तो हम यहीं पर खाते हैं। ये ना एक ब्रांच, ये तो वहाँ सामने देख रहे हो अब नारी की ब्रांच है, और ये इनकी दूसरी ब्रांच है। यहाँ पे देखो ये उड़द है, और ये क्या है भाई? अच्छा ये चिकन स्टू है, और ये सामने रोटियां बन रही है। तो भाई गली कासिम जान से हम फिर से चल दिए हैं अपनी पुरानी, अपनी जामा मस्जिद की तरफ। तो भाई मैंने बता ही दिया, अगर आपको खानी है ये बहुत ही लजीज और शानदार नारी, तो आप सीधे चावड़ी बाजार से आओ, किसी से भी पूछ लो, और एंटर होते ही जो है आप। भाई हम जो है ये इसलिए नहीं करते कि इनसे हमें कुछ मिलता है, बल्कि हम आप लोगों के लिए करते हैं कि अगर किसी को ये चीज़ पसंद है तो भाई वो बेहतरीन चीज़ का फ़ायदा उठाए। और अगर आप ये सोच के आओगे कि यहाँ पे बहुत शानदार जो है आपको उठने बैठने और चलिए जनाब कस्टमर सर्विस मिलेगी, तो ऐसा तो कुछ है नहीं। यहाँ पे 2 टेबल पड़ी है, 2 टेबल पे बैठ के आपको अपनी जगह लेनी है, सिर्फ यहाँ पे आप सर्विस का नहीं खाने का मज़ा ले सकते हो। सर्विस भी बहुत अच्छी है, बेचारे बहुत प्यार से खिलाते हैं, लेकिन वो नहीं है कि भाई बहुत ही स्टैंडर्ड आपको मिलेगा, स्टैंडर्ड कुछ नहीं है। अच्छा शूज़ की भी है भाई, देख लो हम दिल्ली में रहते हैं लेकिन हमें ये सारी चीज़ें आपके लिए खोज के, ये सारी चीज़ें जो हैं अब दोबारा से डिस्कवर करनी पड़ रही है। यहाँ शूज़ भी मिलता है, आप ये सोचो कि दिल्ली तो पहले यही थी, है क्या ज़माना रहा होगा, क्योंकि तमाम पुराने पुराने मकान हैं भाई यहाँ पे। गुम्बद कैफ़े की तरफ हम आए हैं, और गुम्बद कैफ़े की तरफ से देख रहे हो जामा मस्जिद के मीनार का जो है नज़ारा। हाँ, और भाई हम कॉफ़ी पीने के लिए आए थे गुम्बद कैफ़े पर, ये जो है बड़ा फेमस है। ये तो ऊपर आपको दिखाते हैं, ये देखिए ये है ऊपर गुम्बद कैफ़े। तो कॉफ़ी पीने का था, लेकिन यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि वेटिंग चल रही है। आज का डिनर बाहर करने के बाद अब हम आ गए हैं घर पे। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो शेयर कर देना, लाइक कर देना, और कमेंट भी कर देना आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।